हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज ये व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ संडे को, तो ये व्लॉग है संडे का। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मेरे किचन की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसे क्लीन करूँगी, और डेफिनेटली जब संडे होता है तो चाय वाय मॉर्निंग की बनती है, तो नाश्ता वाश्ता बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा मैस अप हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को वाइप से क्लीन करूँगी। और संडे वाले दिन ऐसा भी होता है कि कुछ ज़्यादा काम हो जाता है, छोटे मोटे करके बहुत ज़्यादा काम निकल आते हैं। इधर सबसे पहले मैं ये करूँगी, उसी के साथ साथ फिर मैं बेबी को भी, उसके लिए भी मुझे नाश्ता बनाना होगा। फ़िलहाल तो अभी वो सो ही रहे हैं, तो मैंने सोचा जब तक ही सो रहे हैं तब तक मैं इधर किचन के सारे काम फिनिश कर लूँगी। तो गाइज़, यहाँ पर मैं अप्पे बनाने जा रही हूँ। तो मैंने पहले से ही सूजी और दही, ऑनियन और मिर्च को, जीरे को, इन सबको क्रश करके उसमें मिक्स करके पहले से ही रख दिया था थोड़ी देर के लिए, और उसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डाला था। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। तो मैं अभी सबके लिए अप्पे बनाऊँगी, उसके साथ साथ मुझे फिर यहाँ पर दोबारा चाय भी बनानी होगी। अब मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ अप्पे के साथ चटनी। चटनी के लिए मैं यहाँ पे लूँगी लहसुन, मिर्च, अदरक और टमाटर, और उसमें मैं सेज़वान चटनी जो आती है उसको भी मैं एक चम्मच ऐड करूँगी। उससे चटनी का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अगर आप मोमोज भी बना रहे हो तो भी आप अगर इस तरीके से बनाओगे तो भी वो चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। और इसके साथ मुझे थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है, तो मैं हरी मिर्च जब भी लेती हूँ तो सेज़वान डाल देती हूँ, तो उसे अच्छा खासा तीखा हो जाता है। तो गाइज़, अभी शाम के हो गए 4, और दोपहर में सब कुछ नाश्ता खाना ये सब होने के बाद मैंने भी थोड़ी देर आराम कर लिया था। तो अभी मैंने यहाँ पर बाहर कपड़े फैलाए थे, तो बस मैं वही लेने आई हूँ। और वेदर बहुत अच्छा हो गया था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर लाओ यहाँ पे, थोड़ा सा देर खड़ी हो लेती हूँ। तो अच्छा लगता है ना जब हवा चलती है या फिर अच्छा वेदर रहता है।
तो ये जो कपड़े मैंने फैलाए थे वो सारे सूख गए थे, तो मैं एक एक करके सारे हटा लूँगी। फिर इन लोग के कपड़े फिर मुझे फोल्ड करके उस जगह पे भी रख देना होगा, नहीं तो अगर आप कपड़े उठाओ फिर इधर उधर रख दो तो उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं उस काम को करूँ। तो जो काम जहाँ होता है मैं उसी टाइम सोचती हूँ फिनिश कर लूँ। तो बाबू भी मेरे इस टाइम जगे हुए हैं, खेल रहे हैं, और फिर हम लोगों का यही मन हो रहा था कि अच्छा वेदर है तो चलो शाम में कहीं बाहर चलते हैं। तो खाना नहीं बना था उस दिन रात में, शाम में, तो हम लोग बाहर ही गए थे यहाँ पे। तो बर्गर वर्गर ये सब हम लोगों ने खाया और थोड़ी देर घूमे वूमे, फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे। और बाबू भी मेरा बहुत इन्जॉय करता है। तो ज़्यादातर ये होता है कि जिस दिन भी इनका ऑफ होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं बाहर कहीं घूम आएँ। वैसे तो शाम में इसको पार्क वार्क में हमेशा ले जाती हूँ, बच्चों के साथ ही आराम से खेलता है, इसको खेलना बहुत पसंद है। अगर बच्चे खेल रहे हैं तो उनके साथ जाके, भले ये कुछ ना करे लेकिन उनको देख के खुश बहुत होते हैं। तो यहाँ पर ये बैठे हुए हैं और थोड़ी देर में बस इनकी भी शैतानियाँ स्टार्ट हो जाएंगी वहाँ पर भी। और गाइज़, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को पूरा एंड तक देखा करिए।